students, how are you all? I hope you all are fine. So once again, this is Lakshmi here. Welcome to English class. So today, in this class, we are going to read page number 30 of lesson number 3, The Magic Seed. In the previous video, we read page number 29 of this chapter. Okay, and today we are going to read page number 30. So let's start. Okay. Look at the board. Once again, grandfather said, एक बार फिर से grandfather ने कहा, once again, एक बार फिर से grandfather said, दादाजी ने कहा, wait a little, थोड़ा और wait करते हैं, there will be more magic. अभी और मैजिक होगा. तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो प्लांट है वो बड़ा ट्री बन जाता है और जो चीनू है समझता है कि शायद यही मैजिक था. फिर उस बिग ट्री में स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स जो है बहुत सारे आ जाते हैं. ठीक है, तो वो ट्री जो है वो फुल ऑफ फ्लावर्स था. ओके, तो चीनू समझता है कि शायद यही मैजिक था. अब जो दादाजी है वो बताते हैं कि वेट अ लिटिल, थोड़ा और वेट करेंगे, देयर विल बी मोर मैजिक, अभी तो और जादू होगा. वन डे, एक दिन चीनू सॉ, चीनू ने देखा मोर मैजिक, और जादू देखा. ठीक है, तो क्या देखा उसने, देयर वर टाइनी ग्रीन मैंगोज, देयर वर वहां थे टाइनी स्मॉल ग्रीन, ग्रीन कलर के मैंगोज. तो उसने और मैजिक क्या देखा कि वहां पे ग्रीन कलर के मैंगोज थे ऑन द ट्री, उस ट्री पर, उस पेड़ पर. यानी सबसे पहले क्या था, वो सीड था. ठीक है, सीड को उन्होंने अर्थ में हाइड किया, यानी कि वहां पे सॉइल में पुट किया, और उसके बाद वो वाटर जो है देते रहे उसको, तो वो बेबी प्लांट बन गया. बेबी प्लांट ग्रो होने के बाद वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होता रहा और धीरे धीरे ग्रो होता रहा, और एक दिन वो बिग ट्री बन गया, और बिग ट्री के बाद उसमें स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स जो है वो दिखाई देने लगे. ठीक है, और उन फ्लावर्स के दिखने के बाद अब नेक्स्ट मैजिक क्या होता है, यस, वहां पर अब ग्रीन मैंगोज, यानी छोटे छोटे ग्रीन मैंगो जो है वो दिखाई देने लगते हैं. कहां पर, उस ट्री पर, जो ट्री सीड से बना है, सीड से धीरे धीरे ग्रो होके जो ट्री बना था मैंगो सीड से, जो उस ट्री की बात हो रही है. सून, यानी कि जल्दी ही, द मैंगोज ग्रू बिग एंड येलो, एस डबल एन सून, यानी कि जल्दी ही द मैंगोज, वो आम ग्रू बिग, बड़े हो गए, एंड येलो, और येलो हो गए. यानी कि पहले वो मैंगोज थे वो कैसे थे, ग्रीन मैंगोज, और अब जल्दी ही वो ग्रीन मैंगोज कैसे हो गए, बिग एंड येलो, बड़े और येलो. ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर ने कहा, चीनू कॉल योर फ्रेंड्स, चीनू कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल मतलब बुलाना. ओके, सो कॉल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, द मैंगोज आर राइप, आप जो मैंगोज हैं ये कैसे हैं, राइप, राइप यानी कि पक चुके हैं. ओके, पहले ग्रीन थे तो ये कैसे थे, कच्चे, और अब ये जो मैंगोज हैं ये पक चुके हैं. वी कैन ईट देम, अब हम इन्हें ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं. चीनू एंड हिज फ्रेंड्स एट द मैंगोज, चीनू एंड हिज फ्रेंड्स, चीनू और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, दे एट द मैंगोज, उन्होंने उन मैंगोज को खाया, उन मैंगोज को खाया. दे वर स्वीट एंड जूसी, और वो कैसे थे, स्वीट थे एंड जूसी थे, मीठे और रसीले थे.
जो मैंगोज चीनू और उसके फ्रेंड्स ने खाए वो कैसे थे? स्वीट एंड जूसी. सो दिस इज द मैजिक ऑफ अ सीड, सेड ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर ने कहा कि दिस इज द मैजिक ऑफ अ सीड, ये है एक सीड का मैजिक. यानी कि जो वो येलो फ्रूट, येलो मैंगो जो अब मिले थे उन्हें, रियल मैजिक वो था. ओके, तो ग्रैंडफादर ने उनको बताया दिस इज अ मैजिक, ये मैजिक है ऑफ अ सीड, यानी कि एक बीज का. तो यहाँ पे एक सीड के मैजिक यानी जादू के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से एक सीड है वो एक बेबी प्लांट में, फिर एक और बड़े प्लांट में, लास्ट में एक बिग ट्री में जो है वो बदलता है, और किस तरह से उस पे जो है छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, और लास्ट में वो ट्री से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंगो सीड की बात हो रही थी, तो इस तरह से मैंगो जो है हमें मिलते हैं. तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. सो टुडे यू हैव टू रीड पेज नंबर 30 फ्रॉम योर बुक. फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.